हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बिजनेस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अभी मैंने ये मेरे शॉप पर टेबल फैन का माल मंगाया हुआ है। ये हमें एक ऐसा कार्टून आता है बड़ा वाला, एक बॉक्स में हमें चार पीस मिलता है, बोले तो चार पंखे मिलते हैं। ये इस प्रकार से हमें मटेरियल आता है फ्रेंड्स। ये चार थे, इसमें से मैंने अभी एक खोल के देखा है और उसको मैंने इंस्टॉलेशन भी किया है। सो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि फ़ैन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये हमें आते वक्त किस तरह आता है, ये सब के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम फैन को जब हमें आता है मार्केट से, तो ये हमें इस तरह का आता है फ्रेंड्स। मैं आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये अभी मेरे को इस कंडीशन में फ़ैन आया है जब मैंने होलसेल मार्केट से लिया है इसको। एक आपको मैं दिखाएंगे उसको बाहर निकाल कर, ये आप देख सकते हैं मुझे ये इस प्रकार से आया हुआ है। अभी मैंने बॉक्स में से निकाला है फ़ैन और उसके साथ मुझे ये भी कुछ चीज़ें आई है फिटिंग के लिए, मेरे को काम में आएंगे। मैंने इससे पहले एक फ़ैन फिट किया है, वो आप उधर देख सकते हैं। अब ये मैं आपको दूसरा फिट करके दिखाएंगे कि इसको फिट कैसे करते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ़ैन को हम पूरी तरह से जब हमें आता है शॉप पर, तो उसको फिट कैसे करें। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमें ये नट दिया हुआ है, हमें इसे खोलना है क्योंकि हम इसको उस तरह से सेम फिट कर सके, इसलिए हमको इससे को पहले खोलना होगा। मैं आपको इसको खोल के दिखाते, इसको खोलने के लिए भी कुछ इसमें देखो एरो दिखाए हैं कि हमें इसे लॉक कैसे कर सकते हैं और खोल कैसे सकते हैं। तो मैं आपको इसको खोल के दिखाएंगे। ये देखिए, मैंने अभी इसको खोल दिया है पूरी तरह से, ये निकल गया, ठीक है। अब हम इसके पीछे के पार्ट फिट करेंगे। ये देखिए, ये भी हमें उसके साथ ही मिलता है, हमें इसको अभी फिट करना है। ये इस तरह से रहता है, इसमें देखिए ये होल दिए हैं, इसमें हमको इसको फिट करना है। उसी के साथ हमें कुछ पॉलीथीन में नट मिले थे, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, अभी ये नट को हम इसमें फिट करेंगे। ये अब हम इसको फिट कर रहे हैं, इधर कुछ होल है और ये हमें साथ में जो नट मिले इससे हम इसको फिट करके दिखाएंगे आपको। ये देखिएगा आप, ये देखिए हमने पूरे नट टाइट किए हैं। अभी इसके ऊपर एक और एक सामान लगेगा जो रहता है पीछे का बैक का जाली, वो बैक का जाली इस तरह से रहता है। ये देखिए, हमें इस सामने फ्रंट का जाली है, ये अभी इसके बैक का जाली इस तरह से रहेगा कुछ, ये है इसके बैक का जाली। हमेशा याद रखिएगा, बैक के जाली लगाते टाइम ये हमें पकड़ने के लिए एक हैंडल दिया हुआ रहता है छोटा सा, वो हमेशा ऊपर की साइड पर आया करें, ठीक है। तो अब हम इसको लगाएंगे और ये बैक की जाली जब भी बटाते हैं ये हमेशा ध्यान रखें, इधर दो हुक दिए हैं, ये हुक में पूरी तरह से बैठ जाए। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये हुक दिए हैं, दो प्लास्टिक के हुक्स रहते हैं छोटे छोटे, इसमें पूरा जाली बैठ गया है, देखा, ऊपर का भी बैठ गया, नीचे का भी बैठ गया। अब इसके ऊपर और एक ढक्कन आएगा जो मैं दिखाएंगे आपको। ये देखिए, इस तरह का एक ढक्कन रहता है जो यहाँ पर लगेगा, मैं आपको इसको बैठा के दिखा देंगे यहाँ पर। ये देखिए, मैंने इधर ये फिट करके दिया है, ये इधर के साइड से घुमाने से ये फिट हो जाएगा, इधर के साइड से घुमाने से ये निकल जाएगा। अब इसके ऊपर इसके फैन आएंगे, पंखे आएंगे, वो हम इसको बैठाएंगे। वो हमें उस बक्से में दिया होगा, मैं आपको बक्सा चेक करके दिखाते हैं। ये देखिए, ऐसे अलग अलग हमें दिए हुए रहते हैं। अभी रेड कलर है बोले तो हमको उसको ये लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये कलर का हम उसको फैन लगा देंगे। जब भी कभी अभी इस फैन को बैठाते हैं यहाँ पर, हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये जो रहता है ना, ये हमेशा इसमें फिट होना चाहिए। अगर वो इसमें अच्छे से फिट नहीं हो जाएगा, वो टूट जाएगा, जल्दी से आपका फ़ैन ख़राब हो जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, ये जो खाँचा दिया है, ये खाँचे में ये नट जैसा आना चाहिए। तो मैं आपको इसको बैठा के दिखाएंगे। ये अभी इसको बैठ गया है, अभी इसके आगे का जाली बैठाएंगे। ये देखिए, उसके सामने एक काला कलर का दिया हुआ है, उसको हमको टाइट करना है, इस तरह से घुमाने से टाइट हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, जो भी स्क्रू टाइट कर रहे हैं आप, कौन सा भी चीज़ इसमें फैन में जो टाइट कर रहे हो, अच्छे से कस के टाइट कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती इधर उधर होने से वो बहुत सारा आपको बोले तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, फिर खोलना पड़ेगा। इसलिए करते टाइम में आप अच्छे से स्ट्रांगली टाइट कर दीजिए। मैं आपको इसको टाइट कराते पूरा तरह से। ये देखिए, ये पूरी तरह से टाइट हो चुका है। अभी इसके सामने का जाली लगेगा, उससे पहले हम पीछे वाला साइड का जो हिस्सा है वो आपको कवर करके दिखाएंगे कि ये हिस्सा कैसे कवर होता है, इसमें भी और कौन से पार्ट लगते हैं। ये हमको दिया था लूज़ में, जो हमें यहाँ पर इसको ऐसा घुमा घुमा के लगाना है, इसको लगा के दिखाएंगे मैं आपको।
ये देखिए ये लग चुका है। अभी इसके बैक में ये एक आएगा प्लास्टिक का, इसको भी लगा के दिखाएंगे मैं। ये कुछ इस तरह से आता है, ये होल में ये आ जाना चाहिए, या आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। ये देखिए पीछे की साइड बैठने के बाद कुछ ऐसी लगेगी, इसमें कुछ खांचे रहते हैं जिसमें अच्छे से फिट टू फिट बैठ गया है। ये देखिए इसका वायर, अभी हम अगली साइड आपको बैठा के दिखा देंगे। ये देखिए फ्रंट का पंखा है, ये ओरिएंटल बोल के ब्रांड का नेम लिखा हुआ है, इसको ऐसे लगाने का है हमको। ये भी इसमें अच्छे से टाइट हो जाएगा। अभी इसके पीछे कुछ नट रहते हैं, उसको हमें टाइट करना पड़ेगा। ये देखिए ये पीछे का साइड होल के बराबर आने के बाद ये छोटे छोटे जो नट है वो हम इसको फिट कर देंगे। ये देखिए मैंने इसको पूरी तरह से टाइट किया है, अभी ये यहाँ पर लगेगा इस तरह से, कुछ ऐसे लगेगा। लेकिन इससे पहले हमें इसके ऊपर और एक लेयर लगानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स मैंने अभी इसको पूरी तरह से सेट किया है, ये स्प्रिंग भी मैंने यहाँ पर सेट की है, ये आप देख सकते हैं। ये फैन पूरी तरह से सेट हो गया है, अभी हम इसको बोर्ड को लगा के देखेंगे कि ये चलता कैसा है। ये देखिए ये अभी वायर इधर कनेक्ट किया है मैंने, अभी ऑन हो गया। ये इसके ऑन ऑफ के बटन है, अब मैं फर्स्ट बटन आपको चालू करके दिखा देंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरह से घूमेगा, इसके बाद स्पीड रोटेट का सेकंड बटन, उसके बाद थर्ड। अब हम इसको ऑफ कर देते हैं। सो फ्रेंड्स तो आज का मेरा ये वीडियो था, आपको जो बॉक्स में आता है एज इट इज, जो भी दुकानदार होते हैं उनको ऐसे बॉक्स में माल आता है, वो माल को हम उनको कस्टमर को जो बेचते हैं तो ऐसा पूरी तरह से सेटअप करके हमको कस्टमर को बेचना रहता है। तो कैसे सेटअप करें इस टॉपिक पे मेरा ये आज का वीडियो था। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अगर थोड़ी सी भी ज़रूरी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।